सॉरी फॉर द डिले माय लॉर्ड, पर मिसेज उर्मी सिंह राठौर का केस मैं लड़ूंगा। प्लीज कंसीडर दिस। ईशान आप ये सब क्यों कर? उर्मी प्लीज, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। फिलहाल मैं तुम्हारा लॉयर हूं, लेट मी हैंडल दिस। अच्छा बेटा जी, तो मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा था मैं। आशिक से रहा नहीं गया होगा ना, तभी तो भागा भागा आ गया। अब बैठ जाओ उर्मी बेटा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। केस 110-2014, प्लीज प्रोसीड। यस योर ऑनर। माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल मिसेज उर्मी सिंह राठौर अपनी शादी का रिश्ता तोड़कर अपने पति मिस्टर सम्राट सिंह राठौर से तलाक चाहती। उन्होंने तय किया है वो अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने पति से अलग होकर एक स्वतंत्र और खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश करेंगी। एंड दैट्स नॉट ऑल आई बिलीव, राइट? मिस्टर सम्राट सिंह राठौर भी अपनी पत्नी से तलाक चाहते। पिछले 3 महीनों से ये दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे। दोनों ने बहुत सोच विचार के बाद सारे प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए अलग होने का फैसला लिया। इट्स अ वेरी सिंपल केस माय लॉर्ड। आपसी रजामंदी से लिए जाने वाले डिवोर्स का केस है। देयर इज नो रूम फॉर डिस्कशन और डिबेट माय फ्रेंड। इसीलिए आज मेरी मुवक्किल चाहती है कि अदालत इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, थैंक यू। योर ऑनर, जैसा कि मिस्टर ईशान सिन्हा ने जो कुछ भी अदालत में कहा बिल्कुल सही कहा। इस शादी को निभाने की तमाम कोशिशें करने के बाद इन दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया, एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया, और इस तलाक से इन दोनों को कोई आपत्ति नहीं है योर ऑनर। मिस्टर एंड मिसेस राठौर, हम आप दोनों से इस बारे में बात करना चाहते हैं। सम्राट सिंह राठौर और उर्मी सिंह राठौर हाजिर हो। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, आप तलाक के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। उर्मी सिंह राठौर, आप तलाक के लिए तैयार हैं? जी। आप दोनों पर किसी भी तरह का कोई दबाव तो नहीं, खास तौर पर उर्मी सिंह राठौर आप पर? नहीं जज साहब, हम अपनी मर्जी से ये तलाक लेना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी। प्लीज प्रोसीड। माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल मिसेज उर्मी सिंह राठौर का 5 साल का बेटा है मास्टर शौर्य सिंह राठौर, और क्योंकि मास्टर शौर्य की उम्र कम है इसलिए वो चाहती हैं कि मास्टर शौर्य की कस्टडी उन्हें सौंप दी जाए। योर ऑनर, मिस्टर ईशान सिन्हा, जिस 5 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं ना, वो बच्चा मेरे क्लाइंट सम्राट सिंह राठौर का है। माय क्लाइंट इज फुल्ली इक्विप्ड योर ऑनर, इमोशनली फाइनेंशियली। उनका परिवार बहुत नेक है, बहुत बड़ा है, बहुत इज्जतदार है, एंड ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन योर ऑनर। इसीलिए मेरे क्लाइंट सम्राट सिंह उस बच्चे की कस्टडी लेना चाहते हैं। और हाँ योर ऑनर, मिस्टर ईशान जिस बच्चे को छोटा कह रहे हैं, वो बच्चा उतना छोटा नहीं रहा। उस बच्चे ने बहुत साल पहले अपनी माँ का दूध भी पीना छोड़ दिया। अब वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो अकेले खा पी सकता है, पढ़ाई कर सकता है, अकेले सो सकता है। इस समय योर ऑनर, उस बच्चे को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है वो है विकास और अच्छी परवरिश, और उसे वो परवरिश सिर्फ उसके पिता मिस्टर सम्राट सिंह राठौर ही दे सकते हैं। ओके, दोनों तलाक भी चाहते हैं और बच्चे की कस्टडी भी दोनों को चाहिए। यस मानो। यस योर ऑनर। आप दोनों में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है? नो योर ऑनर।
तो ऐसी स्थिति में आपको बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड अलग से कागजात पेश करने होंगे। जी हाँ योर ऑनर, हमारी फाइल एकदम रेडी है। माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल की तरफ से मास्टर शौर्य सिंह राठौर का कस्टडी केस प्रेजेंट करने के लिए मुझे एक दिन का वक्त चाहिए। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे एक दिन का समय दिया जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें एक दिन का समय। क्यों मिलेगा भाई एक दिन का समय? बाप का कोर्ट है, कोई नहीं मिलेगा। ये बात जो करना आज करो। नहीं भाई, क्या मतलब है? ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, ये हो क्या रहा है? हम लोग अदालत में हैं या किसी मछली बाजार में? दुनिया की हर अदालत में वकील वक्त मांगता है ताकि वो रिसर्च कर सके, केस की इन डेप्थ एनालिसिस कर सके, ताकि पुख्ता फैसला सुना सके। पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। आपके मुवक्किल मिस्टर सम्राट उल्टा अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माय लॉर्ड, ये अदालत की तोहीन है। मिस्टर सम्राट सिंह, बिहेव योरसेल्फ। अदालत की कार्रवाई आपके कहने से नहीं चलेगी। अदालत को अपना काम करने दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आइंदा ध्यान रखिए। योर ऑनर, अपने क्लाइंट सम्राट सिंह राठौर की तरफ से मैं अदालत से माफी मांगता हूं, लेकिन मेरी अदालत से एक दरख्वास्त है। मिस्टर सम्राट सिंह राठौर के इस आक्रोश के पीछे की भावनाओं को आप समझने की कोशिश करें। योर ऑनर, ये आदमी क्या करे? मिस्टर सम्राट अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनकी ये दिली इच्छा है कि इस बच्चे की कस्टडी जितनी जल्दी हो सके उन्हें मिल जाए, ताकि इस बच्चे को जो प्यार नहीं मिला, जो परवरिश नहीं मिली, जिससे ये बच्चा महरूम रहा है, वो सब इस बच्चे को दे सके। बस योर ऑनर, अपने बच्चे से दूरी और उसकी गैर मौजूदगी ने योर ऑनर ने बहुत ही शॉर्ट टेम्पर बना दिया। इसीलिए जब मिस्टर ईशान ने अदालत से एक दिन की मोहलत मांगी तो ये अपना आपा खो बैठे, और कुछ नहीं। योर ऑनर, मैं एक बार फिर अदालत से माफी मांगता हूं। मिस्टर ईशान, कोर्ट आपको एक दिन की मोहलत देती है। इस केस की अगली सुनवाई ठीक एक दिन के बाद होगी। थैंक यू मैनोर। शुक्र है अदालत ने हमारी दरख्वास्त कबूल की। अरे भाई, ऊपर वाला है ना, ऐसी क्या बात है? ईशान, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहां चले आए। थैंक यू ईशान। यार, what the hell is this, मिस्टर निरंजन, आपने एक दिन की मोहलत क्यों देने दी उसे भाई? पता कितना स्मार्ट आदमी वो। अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, क्या उखाड़ लेगा वो एक दिन? अरे आपको, अरे सम्राट, वाह भाई वाह, क्या गेम खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? हाँ, क्या गेम चल रही है भाई? क्या बेवकूफ समझ लिया मुझे? सुबह तो झूठ बोल रहे थे, झूठी कहेंगे कि मैं खुद अपना केस लड़ूंगी। ये कैसे आ गया फिर? कहां से आ गया? कहां से टपक गया भाई? तुम कहां से आ गए? क्यों भाई, तुम और तुम्हारा लॉयर डर गए क्या मुझे देखकर? दोनों की शक्लें देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। अबे ईशान, क्या खुद को तोप समझ लियो? बेटा नली काट दूंगा, समझे? शक्ल देखिए अपनी आईने में, बच्चा ना डरे तुमसे। पर तुम्हारी शक्ल देख के बड़े बड़े डर जाएंगे सम्राट सिंह राठौर, क्योंकि तुम्हारे अंदर की हैवानियत तुम्हारी शक्ल पर साफ झलकती है। रही अदालत की बात ना, तो अदालत में जंग जीती जाती है दिमाग से, दलीलों से, तुम्हारे चाकू पिस्तौल या नली काटने से नहीं भाई। ठीक है। अरे तिवारी जी, मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया हमारे सम्राट के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब हमारा बेवकूफ सम्राट दिमाग कहाँ से लगाएगा भाई? तुम में बड़ा दिमाग है भाई, बहुत दिमाग है तुम में। मैं भी देखता हूँ क्या करते हो कोर्ट में, क्या उखाड़ते हो तुम। एक दिन की मामला चाहिए, क्या कर लोगे एक दिन में? कुछ नहीं कर पाओगे एक दिन में। आयो बड़े, आधा दिन तो आज की में निकल जाएगा भाई, बता रहा हूँ मैं। जो फैसला आज होने वाला था ना, वही कल होगा, पक्की बात है। भविष्यवक्ता ना ही बने तो अच्छा होगा सम्राट सिंह राठौर, कल तो बहुत दूर की बात है, आने वाले अगले पल में क्या होगा ये आप तो क्या, इस दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बता सकता। फिर आप क्या बताएंगे? ऐसा पता है मुझे, शुक्रिया।
अरे जनाब, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? समझाइए अपने क्लाइंट को, अगर कानून के दाव पेच से बचना है तो कम से कम अदालत में तो तमीज से रहे। अब मेरे खिलाफ एक केस लड़ते लड़ते अगर इन पे 10 केस ठुक जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बड़ा गलती करी मैंने, गुंडों को नहीं भेजना चाहिए था तुम्हें मारने के लिए, खुद आना चाहिए था। तभी आज तुम्हारी तेरी भी तैयारी कर रहा होता। सम्राट, सम्राट जी, क्या कुछ भी गुस्से में है आप? कुछ भी अनाप शनाप बोले चले जा रहे हैं। नहीं बोल रहा मैं गुस्से में, कुछ भी ऐसा वैसा मत बोली जो आपने किया ही नहीं हो। और सुनिए, आप लोगों को मुश्किल से एक दिन की मोहलत मिली है ना, टाइम ना गवाएं, जाइए और केस की और अगली हियरिंग की तैयारी करिए। और आप आइए, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप आइए मेरे साथ प्लीज, आप इधर आइए। क्या सम्राट जी, क्या हो गया आपको? इतना बौखला क्यों गए हैं? पागल हो गए हैं क्या? कोर्ट के प्रमाइसिस में आप उस वकील के सामने उसी को बोल रहे हैं कि आपने उसको मरवाने की कोशिश की? नहीं, क्या इरादा क्या है? इकबाले जुर्म करना चाहते हैं तो कर दीजिए ना, अपनी जुबान और अपने गुस्से को काबू में करना सीखिए जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, वरना बच्चे की कस्टडी तो बहुत दूर की बात है सम्राट जी। नहीं, आप जेल के सलाखों के पीछे भी जा सकते हो, तब निरंजन खन्ना भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। पब्लिकली अपने कारनामों का डिंडोरा मत पीटिए। आपने देखा ना, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि ईशान इस केस में इन्वॉल्व हो। तिवारी जी, हम नहीं चाहते कि ईशान को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए सम्राट जी। पहले तुम प्लीज चिंता मत करो, भरोसा रखो मुझ पे, मैं संभाल लूं। और नहीं बेटा, ईशान बिल्कुल सही कह रहा है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। चलो। अरे क्या उखाड़ लेंगे वो एक दिन की मोहलत में, आप क्यों इतना बौखला गए? अरे कुछ नहीं कर सकते वो, ये केस हमारा है, आपका बच्चा आपके पास ही आएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? खामखा टेंपर लूज कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा, आप अपना दिमाग शांत रखिए, ये केस हमारा है, आपकी बीवी हारेगी ही हारेगी हर हाल, समझे आप? बस ठंड रखिए। हमारा बर्थडे है आज, और ईशान जी ने हमें विश तक नहीं किया। पता नहीं उन्हें याद है भी कि नहीं, उन्हें हमारा बर्थडे पता तो है ना? ओ गॉड, अगर नहीं पता तो इंटरनेट से देख सकते थे ना। अरे अन्नो, कहाँ इधर से उधर चक्कर लगा रही हो? इससे तो अच्छा है आके बैठ जाओ और भगवान का नाम जप लो 108 बार। रहने तो दादी, आप ही करिए, हम नहीं कर सकते ये सब। अन्नू, हाँ बेटा, आज तो तुम्हारा दिन है, तुम अपनी फरमाइश बताओ हमको, क्या बनाए हम तुम्हारे लाने? कुछ नहीं मम्मी। अरे कहीं दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने? नहीं। तो फिर क्या करोगी? कुछ नहीं दादी, हमें नहीं सेलिब्रेट करना हमारा बर्थडे। काहे नहीं? क्योंकि उन्होंने हमें विश नहीं किया है मम्मी, हम क्या खाक सेलिब्रेट करें हमारा बर्थडे? अरे पर किसने विश नहीं किया तुमको बेटा? हमारे दोस्तों ने, हमारे खास दोस्तों ने हमें विश नहीं किया, उन्हें याद भी नहीं हमारा बर्थडे आज। अरे देख लो अन्नू, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, छोड़ो हटाओ, क्या करोगी मना? दादी आप ना चुप कीजिए प्लीज। अरे औका, देख लो तुमने क्या किया है, बस उम्र बढ़ रही है हर साल, और ब्याह शादी तो तुम करोगी नहीं। हम तो कह कह के थक गए, इसलिए कुछ कहते ही नहीं, कहना ही बेकार। क्यों, तो क्यों नहीं कहते आजकल शादी की बात? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस कड़ी पगुराए। दादी, मम्मी कहिए ना आप दादी को। अम्मा सही तो कह रहे हैं, कहते कहते मुंह थक गया, जबान घिस गई, तुम्हें तो हमारी बात माननी नहीं, तो हटाओ, क्या फायदा कह के, तुम्हें तो यही रहना है हम सबके साथ में। ठीक है, अगर ऐसा ही है ना तो देखना, अगले साल हमारे बर्थडे पे हम यहाँ नहीं, हमारे ससुराल में रहेंगे, और ये बात तय है। सच्ची? सच जी, देखिएगा ये वादा है हमारा आपसे।
जे हुई ना बात, जय भोलेनाथ की। अब ईशान जी आ गए ना, हमें भी कोई शौक नहीं उनसे दूर रहने का, बस जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहते हैं। पानी? नहीं थैंक यू। ईशान, I'm sorry. जाने अनजाने में हमने आपको कितना गलत समझ लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता, या इससे भी बदतर ना बनो। थैंक यू सो मच ईशान। अब थैंक यू किस लिए? मम्मी हम लोग कोर्ट में नहीं है तो अब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, हियरिंग कल है। आपको पता है ईशान, इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया और ऐसे में ये सारी सिचुएशन में आपका आकर हमें यूं मदद करना, हमारे लाख मना करने पर भी हमारे साथ खड़े रहना, हमारा साथ देना, बिल्कुल सपने जैसा लगता है शाम। हमारे हाथ से सब कुछ चला गया था, कोई सपोर्ट नहीं था हमारे पास, हमारी वजह से आपने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, अपने सबसे अजीज दोस्त के साथ आपने दुश्मन। सम्राट मेरा दोस्त था और है नहीं, और मैंने कभी भी तुम्हें पराया नहीं समझा। हाँ मैं मानता हूँ कि इतने सालों से मैं तुमसे टच में नहीं था, पर तुम कभी भी मेरे मन से दूर नहीं हो। ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अपनी गिल्ट और अपनी शर्मिंदगी की वजह से तुमसे मुंह छुपाता था। राज, मैं यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। चक्कर क्या है भाई, ये क्या किया है ईशान ने, समझ नहीं आया भाई। एक दिन की मोहलत क्यों ली, क्या करेगा एक दिन में? अरे क्यों टेंशन लेते हैं सम्राट जी, कल कोर्ट में सब कुछ पता चल जाएगा ना। तो बता रहा हूँ आपको, ये ना कोई बम्प फोड़ने वाला है, बहुत तेज चीज है, अगर आप पहचाने नहीं उसे, बहुत पहुंची हुई चीज है। आपको क्या लगता है क्या करेगा वो? देखिए सम्राट जी, वैसे ही इस केस में एक के बाद एक मुसीबतें आ ही रही, और उसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो लड़का एक दिन की मोहलत मांगे, एक हफ्ते की मोहलत मांगे, I really do not care about that। एक बात बताइए सम्राट जी, आपकी कैश, ज्वेलरी, जमीन, आपकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी? क्यों, अब आपको मेरी प्रॉपर्टी चाहिए? फिर वही बकवास बात शुरू कर दी आपने। नहीं नहीं, क्यों आपने पूछा ना, क्यों पूछा भाई आपने, अपना काम से काम रखिए आप। हाँ जी बताइए मुझे, क्या क्या आपका कंसर्न क्यों है अभी मेरे प्रॉपर्टी से? हाँ मुझे कोई लेना देना नहीं है सम्राट जी, लेकिन बहुत जल्द इस केस के बाद आपकी वाइफ को, उस उर्मी को आपकी प्रॉपर्टी से लेना देना होगा। बहुत जल्द डिवोर्स के बाद आपकी पत्नी है ना उर्मी, उसको आपकी प्रॉपर्टी में कंसर्न होने वाला है, देख लीजिएगा। उर्मी को? जी जी जी। क्यों भाई, उसे क्यों होगा? डिवोर्स के बाद वो प्रॉपर्टी में हिस्सा और अपने मेंटेनेंस के लिए आपसे हिस्सा मांगेगी। वो लड़का, उसका दोस्त जो केस लड़ रहा है, हाँ ठीक है, अच्छा है, लड़का सीख रहा है, स्मार्ट है, नो डाउट, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो आपकी पत्नी का इमोशनल एंकर बन गया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि वो आपके बचपन का जिगरी दोस्त था, इसीलिए आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन उसे भली भांति मालूम, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, और उसे ही वो अदालत में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा और आपसे जितना हो सके उर्मी के लिए हिस्से की मांग करेगा। डिवोर्स के सेटलमेंट के तौर पर वो जितनी हो सके उतनी बड़ी रकम हमसे खींचने की कोशिश करेगा। मैं क्यों दूं अपनी प्रॉपर्टी भाई, क्यों दूं मैं प्रॉपर्टी अपनी? अरे आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, वो आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी होने के नाते आपकी हर चीज पे इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी उर्मी का बराबर का हक है। यार क्या हक है ये, हक का क्या हक है, औरतों के हक बड़े होते हैं भाई, हमारा हक ये हक, वो हक, क्या हक है भाई, हम पागल है बैठे यहां पर, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो ले जाए घर बैठे बैठे सारा पैसा ले जाओ। मैंने उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाया था, कोई प्रॉपर्टी और पैसा पार्टनर नहीं। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज लॉ, ये रूल है। आई एम श्योर किसी औरत ने बनाया हुआ लॉ, 100% गारंटीड बात है भाई साहब, मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ओके
आप बताइए, कोई सोल्यूशन बताइए, निकालिए इसका सोल्यूशन। मैं कुछ नहीं दे रहा। अरे आप शांत हो जाइए पहले। हाँ। यूं दो मिनट में आप तिल मिला जाते हैं। है सोल्यूशन है, बोलिए। हाँ तो सुनिए, आपके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है, कैश प्रॉपर्टी ज्वेलरी जो कुछ भी सम्राट सिंह राठौर के नाम पे है ना, तुरंत उसे आप किसी और के नाम कर दीजिए। तुरंत उसे आप किसी और के नाम कर दीजिए। तुरंत उसे आप किसी और के नाम कर दीजिए।